हमारी पोलिंग हो रही है वो काफी क्लियरली बता रही है कि बीजेपी चुनाव हार गई। महामिलावटी लोग आपका ये उत्साह देख लेंगे तो चुनाव का मैदान ही छोड़ने की सोचने लगेंगे। नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस पार्टी ने डिमोलिश कर दिया है और जहां जहां महामिलावटी होंगे वहां वहां भ्रष्टाचार होगा। 2019 की महाभारत का पांचवा अध्याय पूरा हुआ और सत्ता की जंग भी शिखर पर पहुंच गई। पांचवें दौर में सीटें भी दिग्गजों की, रायबरेली में सोनिया गांधी तो लखनऊ में राजनाथ सिंह और सबसे अहम अमेठी जहां सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को 2014 से पटखनी देने को बेताब मोदी की सपहसालार स्मृति ईरानी। जंग के अहम दिन जुबानी जंग भी सबसे तीखी नजर आई। आपको मिले राहुल गांधी यहाँ पे? एबीपी न्यूज है ना आज सुबह से? राहुल गांधी मिले तो वो ना सिर्फ लापता सांसद हैं बल्कि लापता प्रत्याशी भी हैं अमेठी के। अगर राहुल गांधी यहाँ आ नहीं रहे और जब आते हैं तो महज 50 लोग साथ रहते हैं, उसका मतलब क्या है? इतने वो इनकॉम्पिटेंट हैं क्या कि उनको बहन की सहारे की जरूरत है, 50 लोगों की और सहारे की जरूरत है? नेता वो है जो दूसरों को सहारा देता है, वो नहीं जो दूसरों को अपने लिए सहारा मांगता है। स्मृति के निशाने पर राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी के निशाने पर पीएम मोदी। राहुल जानते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प लेकर चुनाव प्रचार में खास तौर पर गांधी परिवार को निशाना बनाने वाले पीएम मोदी का सबसे बड़ा टारगेट सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही हैं। इसलिए इस बार चुनाव में रायबरेली और अमेठी में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी। ऐसे में राहुल भी पूरे राशन पानी के साथ पीएम मोदी पर हमलावर हैं। देश ने कहा चलो भैया बॉक्सर बेरोजगारी से लड़ेगा, किसानों की जो समस्या है उसको ठीक करने के लिए लड़ेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा, जनता की जेब में 15 लाख रुपए डालने के लिए लड़ेगा। बड़ा धूमधाम हुआ है, जैसे बॉक्सर अंदर आता है मतलब लाइटें चमकी, आया रिंग में आया, पहला काम करता है कोच की ओर देखा, अडवाणी की ओर देखा, एक घूसा अडवाणी जी के मुंह में मारा, बड़ा अडवाणी जी चौंक गए, फिर वो अपनी टीम के पीछे भागा, गडकरी जी अरुण जेटली जी एक एक करके धाड़ 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 सबको मारा। गांधी परिवार और मोदी की ये जंग अमेठी और रायबरेली के चुनाव से पहले ही बेहद तल्ख हो चुकी है। चौकीदार को लेकर राहुल गांधी के बयान का सबसे करारा जवाब पीएम मोदी ने 2 दिन पहले दिया। पीएम मोदी ने राहुल के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि मिस्टर क्लीन का जीवन काल भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में खत्म हुआ। आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था, गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। जवाब में राहुल और प्रियंका दोनों ने पलटवार किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी जी लड़ाई खत्म हो चुकी है, आपके कर्म आपका इंतजार कर रहे हैं, खुद के बारे में अपनी आंतरिक सोच को मेरे पिता पर थोपना भी आपको नहीं बचा पाएगा, सप्रेम और झप्पी के साथ राहुल। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा कि शहीदों के नाम पर वोट मांगकर उनकी शहादत को अपमानित करने वाले प्रधानमंत्री ने अपनी बेलगाम सनक में एक नेक और पाक इंसान की शहादत का निरादर किया। जवाब अमेठी की जनता देगी जिनके लिए राजीव गांधी ने अपनी जान दी। हाँ मोदी जी, ये देश धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता। इन जुबानी तीरों से साफ है कि 2019 की सियासी जंग कई मौकों पर निजी जंग तक पहुँच जाती है। असल में ये पूरी लड़ाई मोदी बनाम गांधी परिवार में तब्दील नजर आती है। इस जंग में भाजपा भी आगे नजर आती है और आत्मविश्वास से भरी हुई भी, लेकिन भाजपा के दिग्गज नेता राम माधव का बयान भाजपा के तमाम दावों को कटघरे में खड़ा करता है। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में राम माधव ने कहा कि भाजपा को उत्तर भारत के उन राज्यों में संभावित तौर पर नुकसान हो सकता है जहां 2014 में रिकॉर्ड जीत मिली थी। हालांकि पूर्वोत्तर में भाजपा को फायदा मिलेगा, इस लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से पीछे रह सकती है, लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा। 2019 की महाभारत के तमाम चक्रव्यूह और दांव और भाजपा के दिग्गज नेता की बातों से
सवाल खड़े होते हैं कि क्या पीएम मोदी दोहरा पाएंगे 2014 का करिश्मा, क्या अमेठी में गांधी परिवार का किला ढहा पाएंगी स्मृति ईरानी, और पांचवें दौर के मतदान के बाद किस पार्टी को कितना नफा और नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।